दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये ब्लॉग वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज मैं किसी बिजनेस आइडिया पे बात नहीं करने वाला हूँ, आज ना ही किसी लोकल ब्लॉग को दिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक क्लिनिक में। दरअसल हुआ ये है कि कल रात से मेरे दांत में बहुत तेज दर्द है, और कल के वीडियो में आपने देखा था डॉक्टर अमितेश तिवारी जी जो हमारे साथ थे, जो हम लोगों ने घाट का वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने वो साथ थे। वो एक बहुत अच्छे डेंटल सर्जन है गोपालगंज के, मैं उन्हीं क्लिनिक में आपको लेकर चल रहा हूँ। उनसे हमारी अभी बात हुई है फोन पे, तो उन्होंने बताया कि आप आइए हम देखते हैं दांत ऊपर साइड में। ये पूरा रात भर पूरा मैं सो नहीं पाया हूँ, बहुत तेज दर्द है, तो मुझे लगा कि आपको ये ब्लॉग वीडियो दिखाना चाहिए कि भाई अगर आप भी कहीं ऐसे डॉक्टर की तलाश कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं अभी लेकर चलूंगा उनकी क्लिनिक में। आप ऐसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल क्रोम में मैंने सर्च भी किया था तो उन्हीं का नाम आया था। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और अच्छे सर्जन हैं गोपालगंज के, डेंटल सर्जन, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाना चाहिए। हो सके कहीं ये वीडियो आपके काम आ जाए, कहीं आप भी ऐसे हमारी तरफ परेशान हो दांत दर्द से, तो आपको भी कहीं डॉक्टर की तलाश हो तो वो तलाश पूरी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए, मैं आज लेकर चल रहे वाला हूँ गोपालगंज के बेस्ट डेंटल सर्जन डॉक्टर अमितेश तिवारी जी के पास। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश तिवारी। मेरे क्लिनिक पे आज अभिषेक गोस्वामी जी आए हुए हैं, ये अपने ओरल हाइजीन के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनका चेकअप किया गया, रूटीन चेकअप, तो एक दांत में कैविटी निकला है। खुशी हुआ कि इस टाइम पे आके और ये अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया है कि उस दांत को निकालना नहीं पड़ेगा और उसको फिलिंग करके इस दांत को सही कराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि अपना रूटीन चेकअप लेट से कराते हैं और तब पता चलता है कि वो अपना दांत लॉस कर दिए हैं, और आप बहुत समय से आए हैं मेरे क्लिनिक पे और आपके दांत को सेव किया जा सकता है। मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था, इसको हल्का सा था इसमें। जी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आप सही समय पे आए हैं मेरे पास और अपने दांतों का ट्रीटमेंट जो शुरू कराए हैं वो बेस्ट है, क्योंकि अगर इससे अगर आप डिले करते तो फिर आपके दांत का ना तो RCT करना होता और नहीं तो फिर दांत को लास्ट में निकालना पड़ता। अभी क्या किया जाए इसमें? अभी तो इसको हम लोग वॉश किए हैं थोड़ा, और वॉश करने के बाद आपका टेम्प्रोरी फिलिंग जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, वो टेम्प्रोरी फिलिंग करके इसको छोड़े हैं 5 दिन के लिए। अगर दर्द होता है तो फिर RCT की तरफ हम मूव करेंगे, और दर्द नहीं होता है तो फिर परमानेंट फिलिंग होता है, ग्लास आइकोनोमर सीमेंट GIC बोला जाता है, या लाइट की ओर से भी होता है जिसको कंपोजिट फिलिंग किया जाता है। जो सूटेबल होगा वो उसमें किया जाएगा। बहुत सारे गांव में आम लोग कहते हैं कि चांदी भराता है ना, क्या होता है? उसको सिल्वर एमलगम हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी उसका प्रचलन उतना नहीं है जितना कि अभी लाइट की ओर का है, GIC का है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। ज्यादा बोल नहीं सकता, एक्चुअली दांत में कॉटन लगाया हुआ है, तो आप ही बताएं। आप चैनल के माध्यम से भी लोगों को, अभी हम लोग गोपालगंज के बेस्ट डेंटल सर्जन के पास हैं, और मैंने सोचा कि मैं जब ट्रीटमेंट करा रहा हूं तो ये मेरे ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई गोपालगंज में बेस्ट डेंटल सर्जन कौन है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप बताएं अपने चैनल के माध्यम से ही बताएं। बिल्कुल, हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करके रखते हैं, वैसे रखें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कितने टाइम ब्रश करना है, कितना कौन सा आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है, कौन सा आपको माउथ वॉश यूज़ करना है, तो ये सारे लोगों के बीच में उतना जागरूकता नहीं है, खासकर गोपालगंज में। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि आप डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं, जो लोगों को आजकल सोशल मीडिया लॉकडाउन में
सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक करते हैं। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं और अपना एड्रेस बता दें, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जी जी, मेरे क्लिनिक का नाम है ओरो केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, और ये रालसन होटल के बगल में यामाहा सुजुकी एजेंसी के सामने स्थित है, कमला राय कॉलेज रोड में। और मुंह से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप एड्रेस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल मैप के द्वारा भी ओरो केयर एंड इम्प्लांट सेंटर के नाम से सर्च करके मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत है, रात में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7903488024 पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मेरे एक जानने वाले में दांत में कुचट लगता है ना, इधर गाल में जी जी जाता है, थोड़ा सा लगा था, बाद में कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से उनकी जान चली गई। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि उनका जो दांत होता है पीछे का, तो वो एज के अनुसार घिसता है, और घिसते घिसते क्या होता है कि दांत बाइट होता है। अगर हम बोल रहे हैं तो शार्प होने की वजह से गाल कटता है, वहाँ आपको फाइब्रोमा होता है, लोग उसको ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कैंसर का रूप लेता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, उसको बीच में साफ कराते हैं। हाँ, बीच में जो शार्पनेस है उसको स्मूथ करा लेना चाहिए, सही करा लेना चाहिए कि वो फिर गाल को बाइट ना करे। अगर आप बात कर रहे हैं किसी से तो बाइट ना हो, चाहे अगर कुछ खा रहे हैं तो बाइट ना हो, कि जिससे आपको फाइब्रोमा नहीं हो या वहाँ ट्रोमा, एनी टाइम अगर ट्रोमा हो रहा है तो होना ही है कैंसर। अभी हमको क्या करना होगा? अभी आपको एक घंटा तक पानी नहीं लेना है, क्योंकि अभी टेम्प्रोरी फिलिंग डाले हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो ये आपको परहेज करना है। इसके बाद आपको 5 दिन बाद मेरे क्लिनिक पे फिर एक बार आना है, अगर दर्द नहीं रहता है तो फिर परमानेंट फीलिंग आपका हो जाएगा, जैसे दांत आपका सही रहेगा। बाकी आप जैसे डॉक्टर के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं, तो बाकी जो लास्ट में बोला जाता है आप ही बोल दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो। जी बिल्कुल, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक बटन जरूर दबाएँ और अभिषेक जी का चैनल सब्सक्राइब करें, और सारे आपके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, अगर आप आना चाहें, और स्पेशल डिस्काउंट भी ले सकते हैं जब आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो को शेयर करें, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, धन्यवाद।